दोस्तों, वीवो की तरफ से नया स्मार्टफोन वीवो Z5 31 जुलाई को चाइना में लॉन्च होने जा रहा है। इसमें आपको 730Z का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 48MP का रियर कैमरा, 32MP का सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सुपर एमोलेड वाला स्क्रीन, साथ में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाला एक चार्जर भी देखने को मिलने वाला है। तो क्या है इसी फोन के और सारे डिटेल्स, इंडिया में ये फोन कब तक लॉन्च होगा, इंडियन प्राइसिंग क्या होगी, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो माय नेम इज राहुल एंड यू आर वॉचिंग हम टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। तो एक ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च किया जाएगा, जिसके 3 कलर वेरिएंट अवेलेबल है, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट। साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, बैक में 48+8+2MP का ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलने वाला है। बात करें फ्रंट साइड की, तो 6.28 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आएगा और इसके फ्रंट साइड में 32MP का पॉपअप सेल्फी भी देखने को मिल सकता है, मे बी नॉच के अंदर भी देखने को मिल सकता है, सियोरिटी नहीं है टीना के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं ये स्मार्टफोन फ्रंट साइड से अपने कस्टमर्स को कितना अट्रैक्ट कर पाती है। बात कर लेते हैं इसके रियर कैमरे की, तो ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट इसमें देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर 48MP का होगा, सेकेंडरी सेंसर 8MP का होगा जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, और थर्ड जो सेंसर है वो 2MP का होगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 730 इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि 2.2GHz ऑक्टा कोर पे बेस्ड होगा, और साथ में माली का G72 भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है वीवो की तरफ से। बात करें इसके बैटरी की, तो 22.5W के फास्ट चार्जर के साथ 4500mAh की बैटरी इस फोन में देखने को मिलने वाली है, जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होगी। अब बात करें इसके प्राइसिंग एंड लॉन्च डेट की, तो चाइना में अभी इसका प्राइस फिक्स नहीं है, बट 13,000-14,000 के अंदर एज्यूम किया जा रहा है कि इसका प्राइस चाइना में होने वाला है, जो कि इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग इतना ही प्राइस होगा। दोस्तों, अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में विदिन 15,000 के अंदर लॉन्च हो जाता है, तो Realme X और Xiaomi के Mi A3 Pro जो कि आने वाला है, और Xiaomi का Redmi K20 Pro और K20 जो लॉन्च हो चुका है, सारे फोन को आसानी के साथ बीट कर देगा। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो Vivo Z5 के ऊपर, जिसमें फुल डिटेल्स हमने बता दिया है। तो अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइल।